हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ये मामूली से परवल से ना बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बनाऊंगी। और ये भी एक रिव्यू वीडियो है जी रक्षा जी की, और उन्होंने भी बनाया था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आलू परवल को काट लिया था, परवल के छिलके वगैरह कुछ नहीं निकाले हुए हैं। कुकर में थोड़ा सा तेल डाला और यहाँ पर हम अपने परवल को हल्का हल्का सा गोल्डन कलर सा सैलो फ्राई कर लेंगे। उन्होंने डीप फ्राई किया था, मैं यहाँ पर सैलो फ्राई करूँ, क्योंकि रेगुलर की सब्जी डीप फ्राई करने पर तेल बहुत ज़्यादा लेती है। और यहाँ पे जो हमने आलू काटा हुआ है उसको भी हल्का हल्का कलर देंगे, एकदम बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल जो शादियों में बनती है ना बनारसी एकदम आलू परवल की सब्ज़ी, वैसी सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे। ये देखिए हल्का सा कलर भी आ गया, इसको निकाल लेते हैं। और सारा काम हम इसी कुकर में करेंगे जी, वन पॉट मील, और बहुत ही ज़बरदस्त वाली रेसिपी बनती है। थोड़ा सा तेल और डाला और यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा और तेज़पत्ता, और सारे कोई खड़े मसाले वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। और यहाँ पर हमने डाल दिया लंबा कटा हुआ प्याज, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। थोड़े से इसमें डाले हुए हैं साबुत लहसुन, जो बहुत बढ़िया लगते हैं, एकदम घुल मिल जाते हैं ना, भुनते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार वाले लगते हैं। प्याज को हल्का हल्का सा कलर देना है, ऐसे देखिए अभी गुलाबी हुआ, थोड़ा सा 5 मिनट इसको और फ्राई करेंगे। यहाँ पर निकालेंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने किचन किंग यूज़ किया, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैं गर्म मसाला स्किप करती हूँ, यहाँ पर उन्होंने गरम मसाला डाला हुआ था। हल्का सा पानी डाल के एक पेस्ट बना लेंगे, इससे ये होगा कि जो मसाले हम इसमें डायरेक्ट डालेंगे कुकर में ना, वो जलेंगे नहीं, पानी के साथ रहेंगे, तो आराम से थोड़े से भींग भी जाएंगे और आराम से बन के तैयार होंगे। ये देखिए, इसको हम इसमें डाल देंगे, हल्का सा कटोरी में पानी डाल के वो भी डाल देंगे और हल्का सा इसको भुनेंगे। सारा काम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर करना है और ज़बरदस्त वाली एकदम अच्छी तरीके से तसल्ली के साथ भुनना है, क्योंकि कलर वगैरह सारा आ जाएगा। ये देखिए कितनी बेहतरीन वाली एकदम भून के तैयार हो गए, मसाले अच्छी तरीके से भून गए। यहाँ पे हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज टमाटर के प्यूरी, उन्होंने काट के डाला था, मैंने प्यूरी डाला, क्योंकि ग्रेवी आइटम में ना प्यूरी डालिए तो जो है ना छिलके वगैरह ना आते नहीं है, और बहुत ही बढ़िया बनता है एकदम। देखिए ये जब मसाला भुनता है ना, एकदम जैसे लगता है ना कि कहीं ढाबे और रेस्टोरेंट में बन रहा है। ज़बरदस्त वाली सब्जी है जी, सिंपल और ईजी वाली, मज़ेदार वाली। इसमें यहाँ थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी, 2 मिनट इसको और फ्राई करेंगे, और इसके बाद हमने जो सब्जियां रखी हुई थी ना फ्राई करके, वो इसमें डाल करके, ये देखिए पूरा मसाला कितनी अच्छी तरीके से कम तेल में कितनी लाजवाब सी रेसिपी बनी है। और ये देखिए ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है जी। बस ध्यान रखने वाली एक बात होती है कि ना, ग्रेवी को आप बहुत ज़्यादा पतला मत करिए, रक्षा जी ने बहुत ज़्यादा पानी डाल के बिल्कुल पतला बनाया हुआ था, ऐसा नहीं बनाना है। और हल्का सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, अच्छी तरीके से मिलाते हुए, 1 कटोरी के हिसाब से 1 से 1.5 कटोरी पानी, इससे ज़्यादा नहीं। और पानी गुनगुना डालेंगे जी, गुनगुना पानी बहुत बढ़िया लगता है, एकदम जो रोगन है ना बहुत ही ज़बरदस्त वाला आता है। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कि एकदम बनारसी सब्जी है, एकदम आलू परवल की जो शादियों में मिलती है जी, बहुत लाजवाब लगती है। देखिए पर अभी आपको ये ग्रेवी ना पतली लग रही होगी, लेकिन जब विसल लग जाएगी, जब कुकर खुलेगा, तब देखिएगा सब्जी का टेक्स्चर कलर जो बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सा लगता है। ये देख रहे हैं बिल्कुल लटपटी वाली सब्जी बन के तैयार होती है जी। तो अगर आप लोगों को ये मज़ेदार सा कंपेयर वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए। और ये देखिए सब्जी का कलर और टेक्सचर देखिए, इसको आप रोटी पराठे दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन बनती है, सिंपल और ईजी तरीके से लाजवाब वाली रेसिपी बनती है। तो चलिए फिर एक रेसिपी रिव्यू लेके मैं आप लोगों के लिए आऊँ।